जेंडर डिफरेंसेस, वी ऑलवेज सी डिफरेंसेस इन जेंडर्स इन इमोशनल बैलेंस इन एप्टीट्यूड इन लाइकिंग डिसलाइकिंग एंड इन एवरी रोल वी सी डिफरेंसेस इन मेल्स एंड फीमेल्स तो उसमें अब जब हम डिफरेंसेस uh, होना जो है वो नेचुरल चीज़ है अल्लाह ताला ने दोनों को मुख्तलिफ़ बनाया और मुख्तफ़ रोल्स उसको परफॉर्म uh, करने के लिए कहा लेकिन जब हम जेंडर बायनेस बायसनेस करते हैं इस तरह से कि फीमेल्स को हम उतनी इम्पोर्टेंस uh, नहीं देते सोसाइटी में जितनी कि हम मेल्स को देते हैं या मेल्स को बाजुकात जो है वो uh, uh, हमेशा जो है ख़ास रोल की वजह से या ख़ास एक टैग की वजह से या एक ख़ास इम्प्रेशन की वजह से हम मेल्स को इग्नोर करते हैं तो दोनों में जो है अब जब हम इस तरह की जस्टिस uh, नहीं करते रोल्स के साथ तो फिर वो उसके से एन्ज़ाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है अब जहाँ पे जैसे अब जब फीमेल्स को हम ये समझें कि इसको लीडरशिप रोल पे नहीं आना चाहिए क्योंकि एक फ़ीमेल कैसे लीड कर सकती है पूरे ग्रुप को तब भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कहीं किसी रिसर्च में ये नहीं लिखा हुआ कि इंटेलिजेंस में मेल ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स कम होती हैं बल्कि मुख्तु किस्म की रिसर्च मुख्तु किस्म के एटीट्यूड के बारे में रिजल्ट जो हैं वो बताती हैं इसी तरह से जब हम uh, करते हैं मार्जिनलाइज uh, जो है वो पीपल में आ जाती हैं फीमेल्स जब हम सोसाइटी में उनको प्रॉपर उनका राइट right नहीं देते तो जब उनको जेंडर uh, बाइसनेस का मुजहरा uh, का सामना करना पड़ता है तो फिर उनमें वायलेंस जो है वो उस तरह की एक्टिविटीज़ पैदा होती हैं इन्जाइटी होती है डिप्रेशन होता है और वो सोसाइटी से जो है वो चाहती हैं कि फिर इनसे रिवेंज लिया जाए तो नेगेटिविटी जो है उनमें प्रमोट होती है जब उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है ऑब्जेक्टिफिकेशन का सामना करना पड़ता है एक ख़ास टैग उन पर लग जाता है एक ख़ास जो है वो स्टिगमेटाइज हो जाती हैं कि जी ये जो हैं फीमेल्स होती ही ऐसी हैं इनका तो रोल ही ये है तो इस तरह की जो टैगिंग है ये उनके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती है तो हमें अंडरस्टैंडिंग ये करनी चाहिए कि जेंडर्स जो हैं इनकी डिफरेंट पोटेंशियल होने की वजह से इनके रोल्स और तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन हम किसी ख़ास इम्प्रेशन या इमेजिनेशन की वजह से किसी भी रोल को किसी भी जेंडर को बायसली जो है वो नहीं देख सकते और बायसली हम जो है उनको किसी रोल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते तो हमें ना तो फीमेल्स uh, को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए और ना ही हमें मेल्स जो है उसको ओवरऑल जो है एक लीडर या डोमिनेटिंग पोजिशन के काबिल समझना चाहिए बल्कि फीमेल्स भी इक्वली गुड होती हैं जब आप उनको एक हाई uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं सो दीज थिंग्स वी शुड कंसिडर while assigning different roles and responsibilities to males and females.